जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है, जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांवों का, जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए धर्म संसद पर रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद जो आज धर्म संसद होने वाला था उत्तराखंड में, उस धर्म संसद पर पूरी तरह से पुलिस के जरिए न सिर्फ पाबंदी लगाई बल्कि गांव में धारा 144 लगा दी गई और उसके साथ ही जो टेंट बनाया जा रहा था धर्म संसद के लिए उसको भी तोड़ दिया गया है और धारा 144 लगा करके पूरी तरह से इलाके में पैनी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस पूरे मामले पर देखिए किस तरह से अधिकारी, पुलिस अधिकारी अपना बयान दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है, जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांवों का, जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे, 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर। इसके अलावा हम 5 कंपनी PSC वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। सर कुछ लोग आज गिरफ्तार, ये जानकारी पूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरी जानकारी। रुड़की के जलालाबाद गांव में आज होने वाली महापंचायत को लेकर घमासान मचा हुआ है। संतों की गिरफ्तारी का दौर जारी है और गांव में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं किसी टकराव के मद्देनजर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गांव में ड्रोन की मदद से आसपास के इलाके पर नजर रखी जा रही है। हिंदू महापंचायत को लेकर पुलिस की तरफ से जहां एक और सख्ती बरती गई है, वहीं स्वामी दिनेशानंद भारती के संपर्क में रहने वाले आश्रमों पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं पुलिस ने काली सेना के संस्थापक और शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप सहित कई संतों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में दिनचर्या जारी है, ग्रामीण अपने दैनिक कृषि कार्य कर रहे हैं। गांव के मार्गों पर पुलिस सख्ती बरत रही है, यहां पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गांव में प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी लेकिन स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद जिला प्रशासन ने महापंचायत पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद यहां टकराव के हालात बन गए। वहीं आयोजकों ने कहा है कि महापंचायत हर हाल में होगी, चाहे थाने में ही करनी पड़े। इसी क्रम में मंगलवार को काली सेना के राज्य संयोजक दिनेशानंद भारती और उनके 6 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महापंचायत के लिए गाँव में लगाया गया टेंट भी उखाड़ फेंका। वहीं हरिद्वार के डाडा जलालपुर मामले की निष्पक्ष जांच कराने, ईद पर ईदगाह और मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था करने, धार्मिक यात्रा का मार्ग तय किया जाने समेत विभिन्न मार्गों पर देहरादून में जमीयतुल माहिंद ने कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 8 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला, जिसमें पदाधिकारियों ने हरिद्वार के डाडा जलालपुर में हुई घटना का जिक्र करते हुए मामले में जांच की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से संगठन ने डाडा जलालपुर और डाट पट्टी का दौरा किया था, जिसमें कई तथ्य सामने आए। ये भी कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी को आदेश दिया जाए। इस पूरे मामले में जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस मामले में, ना सिर्फ इस मामले में बल्कि इससे पहले जो महापंचायतें हुई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा राज्य सरकार से, उसके बाद राज्य सरकार को लगा कि मामला अब थोड़ा सा तब बिगड़ता जा रहा है और तुरंत इस पूरी अभी होने वाली आज जो महापंचायत थी उस पर पुलिस ने रोक लगाई और उसके बाद इस तरह की पूरी कार्रवाई की जो मैंने आपको अभी बताया। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।